अभी तक हमने ट्रिप के 3 दिन देखे जिसमें हमने फेरिमिडोस और नंगा पर्वत की सैर की। आज है ट्रिप का डे 4 और आज है एपिसोड 3 जिसमें हम फेरिमिडोस से हुंजा तक का सफर तय करेंगे। गाइस इस वक्त वापस हम फेरिमिडोस जा रहे हैं और नीचे उतरते वक्त जो है वो पाँव पे ज़्यादा जोर पड़ रहा होता है, ऊपर चढ़ते वक्त सांस ज़्यादा चला था लेकिन नीचे उतरते वक्त पाँव में बहुत जोर पड़ रहा है, लेकिन कदरे बेहतर है ऊपर चढ़ने से। अब्दुल्ला कैसा लग रहा है? नीचे उतरते वक्त तो मजा आ रहा है लेकिन जो है ना ये अब्दुल्ला की लग बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बार बार जो है ना वो अंगूठा जब पाँव पे लगता है ना तो दर्द बहुत ज्यादा होती है। अभी भी भाग से दाइश क्या कर रहा है, रुक जा अबे रुक। कैसा फील हो रहा है इतना भागने के बाद? रोशन कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है यार? गालियां पड़ी है में भाई। ये रास्ता सारा पथरीला है और पथरीले रास्ते पर चल के पाँव में और दर्द होने लग जाती है। अवेश क्या हुआ? हाल तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है। पहले से बेहतर? जाने से बेहतर। हाँ जाने से तो बहुत बेहतर है। अभी सिर्फ नीज में स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है नीज यार। बाकी जो है ना वो ब्रीदिंग का मसला नहीं है लेकिन जो नीज है ना वो जॉब दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, नहीं मुझे हो रहा है, हो रहा है लेकिन मैं नाजुक हूँ। तो आप फिटनेस किया करें ना, थोड़ा जिम करा करें, अंडे खाया करें रोज 6 सुबह। गाइस ये वाली जो स्लोप होती है ना ये पाँव थका देने वाली स्लोप होती है। सीधा रास्ता तो इजीली कवर हो जाता है लेकिन जो स्लोप है ना वो बहुत पाँव थकाती है यार। नीचे खाई दे सकते ज़रा सा पाँव स्लिप हुआ तो खाई में गिर जाएंगे। गाइस एक सैड मोमेंट हो गई है, हसीब शेख के जो बर्ड्स हैं ऊपर रह गए 12,000 के बर्ड्स हैं, 12,000 के। मेरी मुसीबत तो अपना कंटेंट बना ले, ये सही है। मुझे पता है मैं वापस ऊपर जाऊँ? नहीं पागल है, आज ज्यादा हाइक जो है ना वो हम कर रहे हैं और अभी ऊपर जा रहा है। जज्बा है वो तो ऐसा, आधी हाइक ये कर चुका है और अभी दोबारा वापस जा रहा है। गाइस इस व्यू के लिए, इसके साथ ही इस व्यू के लिए हम तरसते थे यूनिवर्सिटी में और जब हम आ गए हैं तो ये लोग जो हैं बस आगे निकलने की बात कर रहे हैं, इंजॉय नहीं कर रहे। फाइनली गाइस वो सामने जो है वो मर्जी जीप है और फाइनली हमने जो है वो उतराव कम्प्लीट कर ली है, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया। पाँव में इस वक्त बहुत दर्द हो रही है। अब्दुल्ला और अब्दुल्ला जो है उनकी बस हो चुकी है। ये लगा था कि उतरना आसान रहेगा लेकिन उतरना भी उतना आसान नहीं है जितना कि सोचा था। एक टाइम पे आके बिल्कुल बस हो जाती है। गाइस फाइनली हमें अपनी डेस्टिनेशन मिल चुकी है, बस वहाँ तक जाना है अब। अब्दुल्ला मज़ा आ रहा है झूले वाले पुल पे? एक लास्ट हाइक रह गई, अब ये उम्मीद है पूरी करने बस तो हमें जीप्स मिल जाएंगी। गाइस वो हम लास्ट दफा नांगा पर्वत को देख रहे हैं। अब्दुल्ला कैसा फील हो रहा है इसको छोड़ के जा रहे हो? मैं इसके बेस कैंप के करीब हो रहा है कि नहीं आ रहा कि अब इतना दूर है, अब उससे जुदा हो रहे हो आप? अब पता नहीं जिंदगी में कब मौका मिलेगा इंशाल्लाह नांगा पर्वत को चढ़ने का। चढ़ने ये है अपनी बस, बस नंबर 5। बस में आ चुका हूँ मैं और अब बस हुंजा के लिए हम निकलने लगे हैं। No one says when you get to the top, your biggest fear is when you gon' drop. Blew up last year, all I got, I really thought it was never gon' stop. Yes, I did everything I can, last year made about 100 grand. Yeah, I guess that was part of the plan. Yeah, I guess that was part of the plan. So guys, वो नांगा पर्वत नजर आ रहा है हमें यहाँ से और हम उसको अलविदा कह रहे हैं। How to make this music in my good faith in my good place. All these motherfucking labels gonna misuse it. Man, that's true shit. Think about what I had and what I have. Even when my day is going good, I think it's gonna go bad. Made mistakes. Been dishonest. Self-estranged. Did what I wanted, nigga. Was a fake. I slept just the same. I'm not the same. No. I'm not the same. When things are good, I don't believe. For real, I really wish I could. Just tell myself I gotta feel. Feel something else instead. Cause maybe life is like a dream. It's messing with my head. I must be dead. When things are good, I don't believe that they're for real. I really
तो गाइस यहां से जो है वो नंगा पर्वत का पॉइंट नजर आ रहा है। कौन सा कराकरम रेंज है? हाँ, ये कराकरम रेंज है। हाँ, और ये हम किस जगह पे खड़े हैं इस वक्त? इसको जंक्शन ऑफ थ्री हाईएस्ट माउंटेन रीजन रेंजेस। तो गाइस इस वक्त हम जंक्शन ऑफ थ्री हाईएस्ट माउंटेन पर खड़े हैं। पीछे हिमालय है, ये कराकरम है। इस तरफ कराकरम, तीसरा क्या है? तीसरा किधर है? कुछ इस तरफ से आ रहे हैं, बस की साइड। So guys, इस जगह को और मजीद एक्सप्लोर करने के लिए हम नीचे जा रहे हैं। देखते हैं नीचे क्या मिलता है। हमदा कैसा लगा ये? अच्छा लगा यार, मैं तो देख। हाँ अब बताओ कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा यार, काफी बहुत मजा आया यार इस ट्रिप के ऊपर। इसकी कोई हिस्ट्री बता इस जंक्शन की? नहीं यार, जंक्शन ऑफ थ्री हाईएस्ट माउंटेन्स है। कौन कौन से नाम बता? इसमें है कराकरम, हिमालय और एक और है अली। कौन कौन सी थ्री हाईएस्ट माउंटेन्स मिल रही है यहाँ पे? जिनसे पूछो कहते हैं ये वो ये नहीं, नाम बताओ। एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं यहाँ पे। ये है एक तरह का पिक्चर पॉइंट जहाँ पे सारे पिक्चर्स लेते हैं जो भी टूर वाले आ जाए। बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा तेज है। हाँ, पिक्चर पॉइंट तो है लेकिन कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही। गाइस वैसे तो टाइम पास के लिए बहुत अच्छा पॉइंट था। राकापोशी व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लगता है कोई फेस्टिवल है। गाइस हम सब लोग जो है वो इरादा करके जा रहे हैं कि ज़िपलाइन लेनी है, लेकिन हमारा सीआर जो है वो कह रहा है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि ज़िपलाइन ले सके। 5 मिनट की ज़िपलाइन क्या कहता है? 5 मिनट की ज़िपलाइन है सामने है। ज़िपलाइन हाइक पे हाइक कितनी ज्यादा हाइक। ये ज़िपलाइन जा रही है गाइस। 1500 की टिकट है लेकिन इसने डिस्काउंट में हमें 1000 की कह दी है। अब हम जा तो रहे हैं लेकिन मेरा मूड कोई नहीं है लेने का, तो जाके देख रहे हैं कि क्या सीन है। ये समीर जाने लगा अपनी लाइफ की बस जिप लाइन। ये बंदा चप्पल में जिप लाइन पे जा रहा है अपने रिस्क पर। अभी आजा साथ। इसकी चप्पल गिर गई तो कौन उठाएगा? इसमें ये गिर के मर भी सकता है गिर गया तो मर सकता है। इसे फॉर्म फिल करवा लेना था। पीयर प्रेशर में मैं ज़िपलाइन ले लूँगा अपनी लाइफ की फर्स्ट ज़िपलाइन। सेम, सिर्फ पीयर प्रेशर सेम। मैं लेना नहीं चाहता, मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है। और ये मोबाइल लेके जाऊंगा और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये क्लिप आप देख रहे हैं तो इसका मतलब मोबाइल नहीं गिरा। अगर अभी व्लॉग नहीं देख पाते इसका मतलब गिर गया, इसका मतलब मोबाइल गिर गया। और आखिरी पहली जिप लाइन है और आखिरी उम्मीद है कि आखिरी ना हो। अगर मैं ना बचूं तो ये वीडियो एडिट करके तो यूट्यूब पे डाल दूंगा। और वो जो तुम्हारी जायदाद है वो मेरे नाम एडिटर के नाम। पहुँच के क्या करना? मतलब खान साहब बच तो जाएगा ना हमारा बच्चा यार। दानिश अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना यार। अगर कोई गलती हुई हो तो दानिश माफ कर देना। दानिश प्लीज मुझे माफ कर देना। दानिश प्लीज मुझे माफ कर देना। दानिश मैंने बस में तुम्हारी मर्जी के गाने नहीं चलाए, मुझे माफ कर देना। दानिश मुझे माफ कर देना। चुप कर जा। 3 2 1 गो।
ऑफिस में जा रहा हूँ, हेल्थ में जा रहा हूँ, मोबाइल बिना नीचे चक्कर लगता नहीं, मैं सीधा होना चाह रहा हूँ। कि मेरे साथ ऐसा हुआ बस नहीं यार, आज के दिन ऐसा हो रहा है। ओ बहुत जोर की लगी है। सो गाइस, एक मंजिल तो पार कर ली है और बहुत जोर की लगी है मुझे। मुझे नहीं पता था कि मैं उल्टा हो चुका हूँ और कब जो है वो प्लेटफॉर्म आ गया। सो अब दोबारा से जो है एक और मैं राइड लेने लगा हूँ, देखते हैं इस राइड में क्या होता है। मेरी टांगे टूटती हैं या बचती हैं। सही जाऊंगा। अच्छा मुझे बताएं मैंने करना क्या होता है, मैं तो उल्टा हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा सही हो गया, सही हो गया। मुझे नहीं पता इसका पहले, तो मेरे से गलती हो गई। इंशाल्लाह इस बार गलती नहीं दोहराएंगे। सो गाइस एक बार फिर राइड स्टार्ट होने लगी है। नीचे नीचे मेरी हाइट ज्यादा है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके पांव लग सकते हैं। बैठ जाए नीचे, आप बैठ जाए। सही से बैठ गए। सो गाइस मैं बैठ गया हूं। सो गाइस एक दफा फिर राइड के लिए चला गया यार, मैं फिर उल्टा हो गया हूं। तो बच गए मेरे, लेकिन झटका बहुत जोर का लगता है, लेकिन बहुत बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। पैसे पूरे हो जाते हैं। मेरा यूनिफॉर्म उतर रहा है। कैसी लगी थी राइड? बहुत अच्छी, मुझे भी बहुत मजा आया। बस एंड में तेरा झटका पड़े। कैसा लगा? बहुत मजा आया, डर भी लगा। इतनी भूख में जो है ये बर्गर मुयसर हुआ है हमें, और ये 500 का एक बर्गर, ये बर्गर 500 का है। इस वक्त हम करीमाबाद के बाजार में पहुंच चुके हैं। नहीं हम करीमाबाद में यार, जहां पे भी हैं हम। गाइस ये है बल्ती फोर्ट, ये है हाई, और इसके पीछे है ड्राई फ्रूट। ये यहाँ का जो किलाऊ मशहूर है, यहाँ का किलाऊ, किलाऊ किलाऊ। हाँ ये है बाजार यहाँ का, ये आप पीछे भी देख सकते हैं, ये सारा बाजार है। और मेरे मुकाबले में कहेंगे तो पूरा एक बेटा, आई मेकिंग ओनली ऑर्गेनिक। ओके खाना मैं खुद भी, यहाँ मेरी पाकिस्तान की डिग्री भी नहीं है, आप लोग यहाँ मेरी क्या पार्टी। कैसा टेस्ट है? घर का टेस्ट है, बहुत कम सा। अली हमजा हमें क्या खिलाने लगा? यार मोमोज यहाँ के स्पेशल, लेकिन वो खत्म हो गए हैं, काफी डिमांड में है वो। हाँ काफी डिमांड में। अब हम यहाँ चले गए हैं लाल से सर्दी में, यहाँ के फाइनली हमने कुछ डन किया, अब हम बैठ के खाने लगे हैं। हमारे सीयर का मैसेज आया था। क्या मैसेज आया? इसका मैसेज मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ा देता हूँ। द वाटर दैट इज प्रोवाइडेड हियर इन हमजा इज काइंड ऑफ ब्लैक डार्क इन अपीयरेंस एज इट कम्स फ्रॉम अ सिंगल ग्लेशियर, हाउएवर इट इज क्लीन एंड इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग हियर। ये जो भी अब्दुल भाई ने बताया है ये उसके म्यार पे पूरा उतर रहा है। अब्दुल भाई वही है ना, ये ब्लैक वाटर ही है। ये अब्दुल भाई जो है ना टेस्ट करेगा, टेस्ट करने को सूंघने को नहीं। नॉर्मल पानी है, पानी है नॉर्मल। अली तू टेस्ट करो। नॉर्मल पानी है, मैंने ज्यादा टेस्ट किया। इनको कुछ नहीं हो सकता, मुझे हो सकता। अब्दुल्ला कैफे सारा जीत में जाते हुए, अब तो रिकॉर्ड हो गया। ये यहाँ की जूस शॉप है, फ्रेश जूसेस, मिल्क शेक, वॉलनट,
स्मूथीज कॉफी सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये अंकल बहुत स्वीट है। हमारा चेरी जूस। We are the best friends. Yeah. चेरी जूस अभी पिया है, मुझे तो बहुत मजा लगा। अब्दुल्ला को थोड़ा जो ना वो एवरेज सा ही लगा है। मैं सब वाहिद बंदा है जिसने कुछ लिया यहाँ से। इसके बाद होटल पहुंचे, अपने बैग पकड़े और रूम की तरफ चल पड़े। गाइस ये जो बैग है मेरा बहुत भारी बैग है, इसको मैं तीसरी मंजिल पे उठा के लाया हूँ और मैं थक चुका हूँ। हमारा रूम नंबर है 122। होटल में पहुंच चुके हैं और होटल जो है वो बहुत बेहतर होटल है। ये वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, नीचे एक मैट्रेस है। यहाँ पे जो है वो तीन बंदे आसानी से सो सकते हैं। इस वक्त हमजा का मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जैकेट पहनी हुई है और पीछे पंखा चल रहा है, तो कितना कंफ्यूज्ड मौसम है यहाँ पे। हमें किसी ने कहा था कि बारबी को उन दो लोगों ने जो है वो एडवेंचर स्टार्ट कर दिया है रात को। रात का 1 बजे का टाइम है और हम यहाँ पे ब्रिज देखने जा रहे हैं। कोई सामने से कोई आ रहा है, उम्मीद है कि इंसान ही हो। ये आवाज़ कहाँ से आई है? सो गाइस एक छोटा सा प्यारा सा एडवेंचर करने के बाद अब वापस आ रहे हैं। मैंने भी एक प्रैंक किया, अब्दुल्ला ने भी एक प्रैंक किया। ये हेलो जी, पीछे व्यू देख रहे हैं, ये है हुंजा का व्यू। तो गाइस आज है day 5 और सुबह हो चुकी है और आज की सुबह हुंजा में हुई है और हुंजा का जो व्यू है होटल का वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ऐसे व्यू में हमारी सुबह हुई है इस होटल में। और रात को काफ़ी ज़्यादा शुगर लगाया, 2-3 बजे सोया। नाइट कैसी गई? बहुत अच्छी गई, बड़ी अच्छी गई। कब सोए थे रात को? रात को यार मैं जल्दी सो गया था, वही 12-1 बजे। 12 बजे नींद पूरी हो गई है? हाँ नींद में 5 बजे से उठाऊँ फिर। यार ये व्यू कैसा पीछे होटल का? यार यहाँ एक माउंटेन है। कौन सी? लेडी फिंगर माउंटेन। कौन सी? सुबह से लेडी फिंगर माउंटेन। लेडी फिंगर माउंटेन और उसकी अच्छी से फिंगर दिखती थी, वो सुबह से वेट कर रहा है। और यहाँ से पानी आती है और यहाँ की पानी है ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अच्छी। अच्छा वो इसीलिए ब्लैक होता है? ब्लैक होती है उसमें। क्या कहा तुमने? शिलाजीत है। सो गाइज अपडेट बस यही है कि अभी हम नाश्ता करना है और खुंजरा पास के लिए निकल जाना है। और कहते हैं कि खुंजरा पास में जो है वो 3 बजे के बाद जाने नहीं देते आगे, क्योंकि वो टाइप का बॉर्डर है तो फौजी इलाका है, तो वहाँ पे हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। सो बस नाश्ता करके तो हम निकलने लगे हैं और इस प्यारे से व्यू में हम खुंजरा पास के बाद दोबारा वापस आएँगे और होटल में हमारा स्टे है और फिर उसके बाद बाबू से टॉप के लिए निकल देंगे। हुंजा में हमें खाना कतरे बेहतर मिल रहा है और अभी हम नाश्ता करने जाने लगे हैं, तो उम्मीद है कि हमें नाश्ता भी बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाकी 3 दिन मुझे नाश्ता बिल्कुल नहीं पसंद आया। इधर का मौसम ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे जो है मेरे होंठ बहुत खुश्क हो रहे हैं, ये मुझे बहुत बड़ी चीज़ लग रही है। नाश्ता पसंद ना आ रहा हो तो इंसान खिड़की की तरफ ही देखेगा ना। नाश्ता कर लिया और गैस कर रहे हैं नाश्ते में क्या होगा, वही पराठा और अंडा। लेकिन आज मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, मैंने चाय के साथ ब्रेड खाई है और बहुत मज़ा आया और गुजारे लाइक मैंने खा लिया है ताकि आगे जो है वो सुकून रहे। सही पीछे जो है वो फोटोशूट चल रहा है नाश्ते के बाद, उसके बाद बस हम खुंजा पास के लिए निकलने लगे और खुंजा पास मैंने सुना बहुत खूबसूरत जगह है, सो उधर ठंड भी होगी, सो फाइनली ठंड देखने का मौका मिल जाएगा मुझे और शायद बर्फ भी होगा। सर्दी की बात आए तो जैकेट भी ना पकड़ें या फिर ये ब्लैक कोट लॉन्ग, आई थिंक वो ब्राउन वाली जैकेट ज़्यादा अच्छी है। सो फाइनली पूजा पास में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं
जिला की लुक कितनी खतरनाक है। पतली सी जैकेट पहन कर पंजाब पास जा रहा हूँ, कहीं से बड़ा मैच करने जा रहा हूँ। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है, तेरे पास भी और कुछ नहीं है क्या? बस यही है, ये सिंगल पहनी है, मुकाबला हमारा खिला। सर्दी पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है लेकिन ड्रेसिंग पे नो। हम तो अपनी आंखों में स्नोफॉल और सर्दी के ख्वाब सजाए बैठे थे, हमें क्या पता था खुंजरा पास के रास्ते में एक रुकावट हमारा इंतज़ार कर रही है। रास्ता खुलने में तकरीबन ढाई घंटे लग जाएंगे अभी।